दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्रियां अक्सर ही अपनी हद से ज्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस को लेकर, तो कभी हद से ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस को लेकर, तो कई बार ये अभिनेत्रियां वार्डरोब मालफंक्शन का भी शिकार हो जाती हैं। और आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि सरेआम मीडिया के सामने उस मोमेंट का शिकार हुई और ये वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में नोरा फतेही से लेकर प्रियंका चोपड़ा और जैकलिन का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं हमारे इस लिस्ट में और किन किन अभिनेत्रियों का नाम शामिल होता है। इस लिस्ट में नंबर वन पर नाम आता है एक्ट्रेस और मशहूर डांसर नोरा फतेही का। दोस्तों विक्की कौशल और नोरा फतेही का पछताओगे गाना काफी चर्चा में बना रहा। गाने के सुपरहिट होते ही इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई। इस दौरान नोरा और विक्की ने एक साथ पछताओगे गाने पर डांस किया। डांस के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि नोरा उस मोमेंट का शिकार होते होते बच गई। नोरा और विक्की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। वीडियो में आप देखेंगे कि नोरा स्टेज पर विक्की का हाथ पकड़कर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान एक स्टेप में जब नोरा थोड़ा नीचे की ओर झुकती हैं, तो अपनी ड्रेस को लेकर अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और उसे ठीक करने लगती हैं। इस लिस्ट में नंबर दो पर नाम आता है एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का। बता दें कि शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मनाने गई थी। इस बीच शिल्पा का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में शिल्पा क्रूज पर हवा का मजा लेते हुए और पोज देते हुए दिखाई थी। इस दौरान शिल्पा की ड्रेस हवा में उड़ने लग जाती है। शिल्पा किसी तरह अपनी ड्रेस को तुरंत संभाल लेती है, लेकिन शिल्पा उस मोमेंट का शिकार भी हो जाती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है ग्लोबल आइकन बन चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का। दोस्तों एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अक्सर ही अपने अतरंग स्टाइल को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है। वैसे तो अवार्ड या इवेंट शो में प्रियंका अपने कपड़ों और अपने बोल्ड लुक को लेकर ट्रोल होने के साथ साथ उस मोमेंट का भी शिकार हो जाती हैं। बता दें कि ग्रामी अवार्ड फंक्शन के दौरान भी प्रियंका ने व्हाइट कलर का एक ऐसा गाउन पहना था जिसका नेक उनकी नाभि तक आ रहा था और उनके हद से ज्यादा क्लीवेजेस को शो करना उन्हें महंगा भी पड़ गया। विदेश में भले ही इस गाउन को सराहा गया हो, लेकिन इंडिया में इस तरीके की ड्रेस को लेकर काफी बवाल मचाया गया था। इस लिस्ट में नंबर चार पर नाम आता है एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का। दोस्तों ये वीडियो एक इवेंट के दौरान की है जहां एक्ट्रेस डेजी शाह और जैकलिन दोनों ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से जैकलिन डेजी के साथ मिलकर पेड़ लगाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही जैकलिन नीचे की ओर झुकती हैं, तो वो वार्डरोब मालफंक्शन का भी शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कुर्ती का गला काफी डीप है और ऐसे में उनके क्लीवेजेस भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जैकलिन कई बार उस मोमेंट का शिकार हो चुकी है। इस लिस्ट में नंबर पांच पर नाम आता है मलाइका अरोड़ा का। दोस्तों वैसे तो मलाइका अरोड़ा अक्सर ही अपनी रिवीलिंग ड्रेसेस को लेकर ट्रोल होती रहती है, तो वहीं जब मलाइका मुंबई में एक स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंची तो मलाइका मीडिया के सामने पोज देने लगी। लेकिन मलाइका डीप नेक वाली ड्रेस पहनकर गई थी और फोटो खिंचवाते वक्त मलाइका कैमरे के सामने ही उस मोमेंट का शिकार हो गई, जिसके बाद मलाइका चुपचाप वहां से निकल गई। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता है सिंगर नेहा कक्कड़ का। दोस्तों अपनी शादी के बाद अपनी अपकमिंग सॉन्ग के प्रमोशन को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले सिंगर नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नेहा कक्कड़ शो के होस्ट आदित्य नारायण को डांस करने का चैलेंज देती है। नेहा स्टेज पर पहुंचती है और दिलबर गाने पर सिजलिंग अंदाज में डांस करने लगती है। वहीं आदित्य नारायण भी उनका बखूबी साथ देते नजर आते हैं। इसी बीच आदित्य नेहा का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से नेहा स्टेज पर ही नीचे गिर जाती है और नेहा उस मोमेंट का भी शिकार हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने हमारी वीडियो में कि किस तरह से बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां अक्सर ही पार्टी या फिर इवेंट्स के दौरान उस मोमेंट का शिकार हो जाती हैं। वाल उन सभी में से आपके पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है, हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।